मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 नाबालिग बच्चों को चरवाहों से छुड़वाया गया। ये बच्चे चरवाहों के पास करते थे मजदूरी। भिकन गांव के सुंदरेल गांव के पास से इन बच्चों का किया गया रेस्क्यू। चाइल्ड लाइन व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा किया गया रेस्क्यू। बच्चों को जिला बाल कल्याण खरगोन लाया गया। बच्चों के माता पिता को बुलाकर दी जाएगी समझाइश। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर भिकन गांव थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदरेल से चरवाहों के चंगुल से 9 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया। यह बच्चे खरगोन व आसपास के क्षेत्रों से चरवाहों के पास मजदूरी कर रहे थे। चाइल्ड लाइन में मौजूद एक बच्चे की सूचना पर टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया, जिसमें लगभग 9 बच्चे पाए गए। पता चला कि बच्चों के माता पिता कुछ चंद रुपए लेकर इन बच्चों को चरवाहों के पास छोड़ देते थे और चरवाहे इनसे बंधुआ मजदूर की भांति काम लेते थे। चाइल्ड लाइन ने सभी बच्चों को खरगोन जिला बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया है, जहां से इन्हें बच्चों के माता पिता तक पहुँचा दिया जाएगा। चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर मोनू निम्बालकर ने बताया कि पहले से रेस्क्यू किए हुए कुछ बच्चों के द्वारा सूचना दी गई थी कि ग्राम सिंगल के समीप कुछ चरवाहे आए हुए हैं, जिनके पास आसपास के क्षेत्रों के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, जिसके बाद टीम ने पुलिस व जिला प्रशासन की मदद से इन बच्चों का रेस्क्यू किया और सभी बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति को सुपुर्द किया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये बच्चे भिकन गांव क्षेत्र से आए हैं, ग्राम सुंदरेल के जंगल में से। इन बच्चों की हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, चाइल्ड लाइन पे कॉल आया था, 10-9-8 पर कॉल आया था कि यहाँ पर बच्चे कुछ बच्चे भेड़ियों के पास, भेड़ मालिकों के पास मजदूरी कर रहे हैं, भेड़ चराने का काम कर रहे हैं। तो हमको सिर्फ 2 बच्चों का ही नाम मिला था, लेकिन हमने वहाँ जाकर इंटरवेंशन किया तो पता चला कि 10 से 15 बच्चे वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो फिर हमने कलेक्टर सर से, एसपी सर से, श्रम विभाग से परमिशन लेके उन्हीं के अधिकारियों के साथ में मिलकर और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इन बच्चों का रेस्क्यू किया, जिसमें 10 बच्चों को यहाँ पर लेके आए हैं, CWC में पेश किया है। कहाँ के बच्चे? ये बच्चे, कुछ बच्चे राजस्थान के हैं, कुछ एक बच्चा खंडवा जिले का है, छिपावड़ नाम बता रहा है गाँव का। अब किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? अब इसमें जो भेड़ मालिक है उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और उन पे केस बनना चाहिए मानव तस्करी का। गंगा क्षेत्र से कुछ गडरियों द्वारा इन बच्चों को लेकर कार्य करवाए जा रहा है और चाइल्ड लाइन खरगोन द्वारा इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। उनमें लगभग 10 बच्चे को रेस्क्यू किया हुआ है और इन बच्चों की काउंसलिंग चल रही है बाल विकास समिति और आगे कहाँ गए बच्चे? ये बच्चे अभी फर्स्ट काउंसलिंग में हम लोगों को ये पता चला है कि इसमें से कुछ बच्चे, 9 बच्चे जो हैं वो लोग राजस्थान साइड के हैं, राजस्थान के अलग अलग जिलों के हैं और एक बच्चा खंडवा क्षेत्र का, तो उसके खंडवा क्षेत्र से लेकर तो इनसे क्या काम करा जा रहा है? इन लोगों से भेड़ बकरियाँ चराने का प्रारंभिक तौर पर क्या लग रहा है कि इनको पैसे दे के जो है? हाँ, अभी तक जो लग रहा है काउंसलिंग में कि ये लोग तो परिवार राजस्थान साइड के हैं, तो ये लोग इस साइड से आए हैं, पैसे से बचने। अब इनको कहाँ छोड़ा जा रहा है? इन लोगों को राजस्थान CWC में बच्चों को रिहा किया जाएगा, स्थानांतरित करने के बाद में खंडवा का जो बच्चा है उसे खंडवा CWC। क्या नाम लिखते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।